हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं रितेश और आज है 21 जून। 21 जून से झारखंड के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम लोग देखने वाले हैं और झारखंड के करेंट अफेयर्स को हम लोग बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में। इस क्लास का जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पर सभी क्लासेस के PDF मिल जाएंगे, नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, अपडेट्स मिल जाएंगे और सभी क्लासेस के आपको लिंक मिल जाएंगे। साथ साथ झारखंड की वैकेंसी से रिलेटेड डिटेल्स, नोटिफिकेशन, अपडेट्स सभी चीज़ें टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग मस्ट ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम पे जाके झारखंड एजुकेशन हब ये सर्च करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग मस्ट ज्वाइन कर लें। ये जो क्लास आप देख रहे हैं ये क्लास रोज सुबह 5 बजे होती है, जिसमें हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो इस क्लास को आप लोग रेगुलर बेसिस पे अटेंड करें। इस क्लास को आप लोग लास्ट तक देखें और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिसका आप लोग आंसर जरूर दें। और लास्ट में हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का रिविजन भी करते हैं, तो इस क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के कितने एयरपोर्ट में ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट को लगाया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5। झारखंड के 5 एयरपोर्ट में ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट को लगाया जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ग्राउंड माउंटेड की बात आई है, तो ये क्या होता है, ग्राउंड माउंटेड का मतलब होता है जमीन पे इसे लगाया जाएगा और सोलर पावर प्लांट को जो है 5 एयरपोर्ट में लगाया जाएगा। तो हाल ही में राज्य के कुल 5 एयरपोर्ट में ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट को लगाया जाएगा। धनबाद और दुमका में 600 केवी का सोलर पावर प्लांट ऑलरेडी लगाया जा चुका है और 3 और एयरपोर्ट में इसे लगाया जाएगा। 3 और एयरपोर्ट की बात करें तो गिरिडीह, बोकारो और देवघर, इन्हीं 3 एयरपोर्ट में इसे लगाया जाएगा। धनबाद में और दुमका में 600 केवी का सोलर पावर प्लांट लगाया जा चुका है और देवघर में इसे लगाया जा रहा है। इसके बाद गिरिडीह और बोकारो में इसे लगाया जाएगा, यानी झारखंड के कुल 5 एयरपोर्ट में सोलर पावर प्लांट को लगाया जाएगा। एक प्लांट लगाने की जो लागत है वो 12,50,00,000 का खर्च किया जा रहा है, नहीं यानी एक एयरपोर्ट में एक प्लांट लगाने की कुल लागत 12,50,00,000 का खर्च किया जा रहा है। इस तरीके से सोलर पावर प्लांट को लगाया जा रहा है झारखंड के 5 एयरपोर्ट में। 5 एयरपोर्ट कहाँ कहाँ है, तो एक एयरपोर्ट है धनबाद में, एक एयरपोर्ट है बोकारो में, एक एयरपोर्ट है दुमका में, देवघर में और गिरिडीह में, इन्हीं 5 एयरपोर्ट में सोलर पावर प्लांट को लगाया जाएगा। अगर हम लोग एयरपोर्ट की बात करें तो झारखंड में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब ये 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ कहाँ है, तो पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है रांची में और दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण झारखंड के देवघर में किया गया है। तो झारखंड में 2 ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इन्हीं 2 एयरपोर्ट को याद रखें। एक है रांची में जिसे हम लोग बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं और दूसरा एयरपोर्ट है देवघर में, इसका निर्माण हाल ही में किया गया है। तो झारखंड में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और झारखंड के 5 एयरपोर्ट में सोलर पावर प्लांट को लगाया जा रहा है, तो इसे आप लोग याद रखें। चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को भी एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के सरकारी स्कूल के छात्रों को वार्षिक अनुदान देने के लिए कितने रुपये आवंटित किए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 125 करोड़। झारखंड के सरकारी स्कूलों में वार्षिक अनुदान देने के लिए 125 करोड़ की राशि आवंटित की गई है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में राज्य के सरकारी स्कूलों में वार्षिक अनुदान के लिए 125 करोड़ की राशि को आवंटित किया गया है। इसमें राज्य के प्राथमिक से लेकर प्लस 2 विद्यालयों तक ये राशि आवंटित किया गया है। 125 करोड़ की राशि को आवंटित किया गया है जो अनुदान में दिया जाएगा। इसमें स्कूलों को 25,000 से लेकर 1,00,000 तक का अनुदान दिया जाएगा, जिसका उपयोग स्कूल अपने विकास के लिए यानी अपने डेवलप के लिए कर सकेंगे। तो झारखंड में सरकारी स्कूलों के अनुदान के लिए 125 करोड़ की राशि जो है आवंटित की गई है, इसे आप लोग याद रखें। झारखंड के
सरकारी स्कूलों में ये राशि दी जाएगी और लगभग 25,000 से 1 लाख तक एक स्कूल में ये राशि दी जाएगी। प्राथमिक से लेकर +2 स्कूलों तक ये राशि दी जाएगी। इसके लिए 125 करोड़ की राशि का आवंटित किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, तो इसे आप लोग याद रखें। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले की दुलारी मरांडी अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए स्वीडन गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, दुमका। दुमका की है दुलारी मरांडी और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए स्वीडन गई, यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, दुमका। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो हाल ही में दुमका जिले की फुटबॉल खिलाड़ी दुलारी मरांडी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने के लिए स्वीडन गई है। कौन से देश गई है? तो ये स्वीडन गई है। 20 से 28 जून तक स्वीडन में आयोजित होने वाले इस प्रतियोगिता में भारतीय टीम के साथ ये स्वीडन गई है, दुलारी मरांडी। तो ये है दुलारी मरांडी और ये कहाँ गई है? ये स्वीडन गई है फुटबॉल मैच खेलने के लिए, भारतीय टीम के साथ ये गई है। ये कहाँ के रहने वाली है? तो ये झारखंड के दुमका जिले की रहने वाली है, दुमका। तो ये है मैप में दुमका। दुमका झारखंड की उपराजधानी है, यानी सब कैपिटल है। ये है मैप में रांची और रांची झारखंड की राजधानी यानी झारखंड की कैपिटल है। और ये है दुमका, दुमका झारखंड की सब कैपिटल है यानी उपराजधानी है। बात करेंगे दुमका की, तो दुमका की स्थापना कब की गई थी? 1855 यानी 1855 में दुमका की स्थापना की गई थी। दुमका में टोटल ब्लॉक की बात करें, दुमका में टोटल 10 ब्लॉक है। दुमका अपनी बाउंड्री कितने राज्यों के साथ? तो ये अपनी बाउंड्री 2 राज्यों के साथ, बिहार के साथ और वेस्ट बंगाल के साथ, 2 राज्यों के साथ शेयर करती है। झारखंड के 4 जिलों के साथ, इनके किन के साथ? तो जामतोड़ा, देवघर, पाकुड़ और गोड्डा, इन्हीं 4 जिलों के साथ ये अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। कौन शेयर करती है? तो दुमका अपनी बाउंड्री को शेयर करती है। बात करेंगे दुमका की, तो दुमका का टोटल एरिया कितना है? 4,404 किलोमीटर स्क्वायर का इसका टोटल एरिया है। और 1855 यानी 1855 में दुमका की स्थापना की गई थी। दुमका में अगर हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, तो 300 यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी है, ये इसका टोटल पॉपुलेशन है, ये इसका टोटल एरिया है। दुमका की बात करें तो ये कौन से डिवीजन के अंतर्गत आता है? ये संथाल परगना डिवीजन के अंतर्गत आता है। और संथाल परगना डिवीजन का हेडक्वार्टर की बात करें, तो उसका हेडक्वार्टर दुमका में ही स्थित है। अगर हम लोग दुमका में टोटल ब्लॉक की बात करें, तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, दुमका में टोटल 10 ब्लॉक है और ये दुमका के टोटल 10 ब्लॉक है। दुमका में सब डिवीजन यानी अनुमंडल की बात करें, तो एक ही सब डिवीजन है जिसे हम लोग दुमका सब डिवीजन के नाम से जानते हैं। सर्कल और ब्लॉक की बात करें तो 10 है, पंचायत की बात करें तो 206 है और 2,944 यहाँ पे गांव है। अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें तो 2 अर्बन लोकल बॉडीज है, दुमका और बासुकीनाथ, और ये इसके 10 ब्लॉक है और ये इसके 10 ब्लॉक की पोजिशन है। तो पोजिशन को भी आप लोग जरूर याद रखें। कहाँ गई है झारखंड की दुमका की रहने वाली दुलारी मरांडी? ये कहाँ गई है? तो ये स्वीडन गई है। स्वीडन की बात करें तो ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है मैप में स्वीडन। स्वीडन की जो कैपिटल है वो है स्टॉकहोम, ये है मैप में स्वीडन और ये स्टॉकहोम स्वीडन की कैपिटल है, यहीं पे ये दुलारी मरांडी गई है। हाल ही में कब विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 20 जून को। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 20 जून, विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, ये 20 जून को मनाया गया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो हाल ही में 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया है, ये हर वर्ष 20 जून को मनाया जाता है। ये यूएन के द्वारा यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसे मनाया जाता है। तो 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया जाता है, इसे आप लोग याद रखें। हाल ही में पुणे में आयोजित नेशनल कराटे चैंपियनशिप में झारखंड की महिला टीम ने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो पुणे में आयोजित की गई थी नेशनल कराटे चैंपियनशिप, इसमें झारखंड की महिला टीम ने सिल्वर पदक यानी रजत पदक प्राप्त किया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड की महिला टीम ने रजत पदक प्राप्त किया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं हम लोग। तो हाल ही में पुणे में 17 से लेकर 19 जून तक आयोजित इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नेशनल कराटे चैंपियनशिप में झारखंड की महिला टीम ने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? इसका आयोजन पुणे में किया गया था। पुणे की बात करें, पुणे कहाँ पे है? तो पुणे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र
तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल की बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है, और मुंबई को भारत की फाइनेंस कैपिटल यानी वित्तीय राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र के सीएम की बात करें तो महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे, और महाराष्ट्र के गवर्नर की बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर है। यह है मैप में महाराष्ट्र, और मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है, और यह है पुणे, पुणे में इसका आयोजन किया गया था, तो इसे आप लोग याद रखिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर है, मुंबई कैपिटल है, उद्धव ठाकरे इसके सीएम है। मुंबई की बात करें तो मुंबई को भारत की फाइनेंस कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय क्रिकेट टीम में हुआ है, तो झारखंड के रांची निवासी राहुल त्रिपाठी का चयन भारतीय क्रिकेट टीम में हुआ है। राहुल का जन्म रांची में हुआ था और ये रांची के रहने वाले हैं, इनका चयन भी भारतीय क्रिकेट टीम में हुआ है, तो इन्हें आप लोग याद रखें। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के कितने महिला फुटबॉल खिलाड़ी का चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम में किया गया है, तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दें और उसके बारे में डिटेल में लिखिए। चलिए झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं और उनका रिविजन करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य के किस शिक्षण संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर विश्वजीत ने कार्बन डाइऑक्साइड से नैनो सीट बदलने की तकनीकी का पता लगाया है, तो ये कहाँ के वैज्ञानिक है, ये आईआईटी आईएसएम के वैज्ञानिक है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आईआईटी आईएसएम। आईआईटी आईएसएम कहाँ के है, तो ये धनबाद में स्थित है। इसके फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस इसका फुल फॉर्म है। 9 दिसंबर 1926 में इसका स्थापना किया गया था और वर्ष 2016 में इसे आईआईटी का दर्जा दिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कब आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है, तो 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया, यानी ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में अंडर 17 सब जूनियर एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल में भाग लेने के लिए झारखंड की टीम कितने खिलाड़ी लखनऊ गए हैं, झारखंड के 3 खिलाड़ी इसमें लखनऊ गए, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में गोवा में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में किस राज्य की टीम जो है वो विजेता बनी है, तो इसमें उत्तर प्रदेश की टीम जो है वो विजेता बनी है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जो है जीत लिया, तो भारत ने इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीत लिया, यानी ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।